नमस्कार, मैं सतीश चौधरी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे गोरखपुर में आई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको ITI से संबंधित, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, टेक्निकल संबंधित बहुत सारी वीडियो लाता रहता हूँ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ रेलवे अप्रेंटिस गोरखपुर के बारे में। तो यहाँ पर ये गोरखपुर रेलवे अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, जिसकी जानकारी आप में पूरी आपको दे पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अप्रेंटिस का निकला हुआ है, ये आपका है आपका एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नोटिफिकेशन आपका 2018-19 का है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना चाहूंगा डेट ऑफ कमिटमेंट ऑनलाइन 30 नवंबर से ऑनलाइन शुरू हो चुका है इसका। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये यहां से 30 नवंबर को इसका ऑनलाइन शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है, जिन कैंडिडेट को अप्लाई करना है जल्दी से अप्लाई कर लें। 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है, आप 29 तारीख के बाद में ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, टोटल वैकेंसी इसमें आपकी 745 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है 745, जिसमें मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर 203 और सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट 63, ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट 35, डीजल शेड इज्जत नगर 60, कैरिज एंड बैगन इज्जत नगर 64, कैरिज एंड बैगन लखनऊ जंक्शन 155, और आपका डीजल सेट गोंडा और कैरिज एंड बैगन बनारस 75। यानी टोटल इसको मिला के टोटल 745 वैकेंसी हैं, जो आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। और जो ITI पास आउट हैं, उनकी जिनकी एज आपका 15 साल से, और आपका जिनकी जो एज है 15 साल से 24 साल के बीच में है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको डिटेल में आपका मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में जो वैकेंसी हैं 36 फिटर की हैं, 16 वैकेंसी आपका वेल्डर का है, 4 इलेक्ट्रीशियन का है, कारपेंटर है 23 और पेंटर की है 22 और आपका मशीनिस्ट है 4। तो ये काफ़ी वैकेंसी हैं, इसमें SC OBC जनरल सभी के लिए हैं, और ये आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा है, तो आपके लिए मौका है। जो लोग अपना ITI कर चुके हैं और जिनकी एज 15 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम है, 24 साल से कम है सॉरी, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट के लिए भी वेल्डर 4, फिटर 16, मशीनिस्ट 3 एंड कारपेंटर 2, टर्नर 8। ब्रिज वर्कशॉप कैंट गोरखपुर के लिए फिटर 11, मशीनिस्ट 2। काफ़ी वैकेंसी हैं फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और आप इसको देख सकते हैं। इज्जत नगर में भी हैं, मतलब हर ट्रेड की वैकेंसी हैं, अप्रोक्स हर ट्रेड की वैकेंसी हैं, काफ़ी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वेल्डर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये अच्छी वैकेंसी हैं आपकी। 61, 16, ये काफ़ी वैकेंसी हैं, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लखनऊ जंक्शन के लिए है, डीजल सेट गोंडा के लिए भी है। डीजल सेट गोंडा में वेल्डर की हैं आपका 2 और इसका इलेक्ट्रीशियन की हैं आपका 10 और मैकेनिक डीजल की हैं 28, फिटर की हैं 7, टोटल 47 गोडा के लिए हैं। बनारस के लिए टोटल 41 है, बनारस के लिए टोटल 41 है, जिसमें आपका बताना चाहूँगा 34 फिटर है और बेल्डर है आपका 2, कारपेंटर 3, ट्रीमर ये 2 है, पेंटर ये है। फ्रेंड, अच्छी वैकेंसी है आप लोगों के लिए, अच्छा मौका है। और इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा, एज लिमिट आपको दी गई है, एज लिमिट है आपकी 15 साल से आपका 24 साल के बीच में जो एज लिमिट है वो आपको दिया गया है। 29/12 तक आप लोग अप्लाई करेंगे। SC ST को 5 साल की छूट दी गई है, और इसमें OBC को 3 साल का छूट दिया गया है। इसमें आगे से बताना चाहूँगा, क्वालिफिकेशन इसमें जो है आपकी हाई स्कूल परसेंटेज, जो हाई स्कूल पास होना चाहिए आपको, हाई स्कूल आपने 50% मिनिमम पासिंग मार्क्स इन्होंने रखा हुआ है। हाई स्कूल में इन्होंने जो मिनिमम पासिंग मार्क रखा हुआ है 50% रखा हुआ है। ITI का कोई मार्क्स नहीं है, ITI पास होना चाहिए। हाई स्कूल 50% से कम जिसका होगा वो इसमें अप्लाई कर नहीं पाएगा। और इसके बाद में प्रोसेसिंग फीस जो आपको देनी पड़ेगी, इसमें कैंडिडेट 100 रुपये की फीस है जो इसमें लगेगा, 100 रुपये फीस है। ST ST और हैंडीकैप या वोमेन्स, उनके लिए
कोई फीस नहीं लगेगी, उनको फीस नहीं देनी है। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन की हम बात करते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका जो होगा परसेंटेज से होगा। इसमें क्या है कि हाई स्कूल की जो 10th की और ITI आपसे मिला के इसमें कट ऑफ बनेगी और उसके हिसाब से इसका मोड ऑफ सिलेक्शन है, कोई रिटर्न या वो नहीं होगा। स्टाइपेंड की हम बात करें आपसे, तो स्टाइपेंड में आपको जो रेलवे के बोर्ड के अकॉर्डिंग इनका जो बनता होगा वो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसमें सो नहीं हो रखा है, लेकिन जो रेलवे ने डिसाइड कर रखा है वो आपको मिलेगा। इसके लिए आज की इस वीडियो में रेलवे गोरखपुर में काफी वैकेंसी के बारे में है, और आप पूरी डिटेल जानकारी के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई का भी लिंक मैं इसमें अपने नोटिफिकेशन में दे दूंगा, आप वहां से सीधे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, चलते हैं, ओके। फ्रेंड ये थी इस वीडियो की पूरी जानकारी, अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप जाएं, वहाँ से अप्लाई लिंक दिया हुआ है, वहाँ से सीधे आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।